सॉरी यार तेरे को भूल गया था मैं। बाय बाय बाथरूम वाथरूम देखेंगे यहाँ का। छोड़ बाथरूम देखने की हालत नहीं है। मन नहीं था यार कोई आने का, अभी भी ऐसा हो रहा है यार क्यों आ गया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इन अनदर ब्लॉग। सो आज है 28th ऑफ अक्टूबर और मैं जा रहा हूँ वापस मुंबई। मतलब इधर 10 दिन हो गए मेरे को मालूम ही नहीं चला, और घर पे भी पूरा सामान मैंने फैला रखा है क्योंकि पटपट से मेरे को पैकिंग करना था। टिकट आज ही मैंने बुक किया है वो भी तत्काल में, तो थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। पर सीन ये कि अभी पटपट से निकलना है मेरे को, 7:45 का मेरा ट्रेन का टाइम है और अभी 7:00 ऑलरेडी हो चुका है। मैं चाहता नहीं कि मिस हो जाए, मिस होगी तो फिर तो रहना पड़ेगा इधर, और पर चाहता भी हूँ वो रहना और अभी नहीं भी चाहता हूँ क्योंकि उधर जाना है, काम है। एंड बस फिलहाल यही, मिलते हैं आगे। टिंग टिंग ए अरे यार वो अरे सॉरी यार तेरे को भूल गया था मैं। बाय बाय मजे करियो तू, हाँ तू तो मजे ही करेगा देख। आलसी आलसी बाय 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 जी बाय 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 जी बाय बाय। चलो अभी चलो फटफट निकलते, नहीं तो बच्चू बाय बाय। तू जा रहा है सीमी मेहमान बन गया अब कार्तिक। निकलते हो गया चल मेरे बच्चा है। बाय बाय आरबू भाई। ए यार बेचारा उदास हो रखा है। चल कोई नहीं चलो चलो। आयुष भाई इज हेल्पिंग मी वेरी मच, थैंक यू आयुष भाई। अलग से तेरा कैप्शन लिख दूंगा। सो गाइस दिस इज माय फ्लाइट, दिस इज माय फ्लाइट और ये मेरा सीट है फ्लाइट का। बाथरूम वाथरूम देखेंगे यहाँ का, छोड़ बाथरूम देखने की हालत नहीं है, बाथरूम नहीं देखेंगे। अरे चल गया यार। सो गाइस ये हम लोग का S2 है और हम लोग को S1 में आना था तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। आ रहे हैं वापस आते हैं, अभी सामान लेने आएंगे। तो हम लोग को कुछ आइडिया नहीं है, पहली बार ट्रेन में आ रहा हूँ मैं, तो ऐसा सीन हो गया। तो ये है Season 1 और Season 1 बोल रहा हूँ। डांस क्लास चल रहा है इधर, ये तो और बदतर है। अच्छा ये 32 उठा क्यों रहे? ऋषिकेश आराम से भाई। अच्छी रहनी चाहिए वो, नहीं तो मैं तो मर जाऊंगा क्योंकि पूरा वनडे मेरे को ट्रैवल जाएगा कल।
मिल जाएगा तुम्हें, कोई बात नहीं। तो ये शायद मैं अभी 2 बजे करीब पहुँचूँगा, 12 से मेरी दूसरी ट्रेन रहेगी, तो मेरे को डायरेक्ट लाइन मुंबई पहुँचाएगी, तो वहाँ से तो नॉर्मल रहेगा। तो बाकी देखते हैं अभी कैसा जा रहा है, अभी तो फिलहाल ठीक है, नॉर्मल है। अभी मैं मतलब चेंज कर रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, देख रहे हो ना हालत थोड़ा तंगी है अभी, पर कोई बात नहीं, इट वर्क्स। बाकी थोड़ा दरवाजा खोलूं क्या? अरे कैसे खुलता है ये? नहीं खुल रहा है, बंद कर दिया इन लोगों ने। इधर जैसे बंद है तो इधर भी बंद है, पर अभी मेरे को मजा आ रहा है लाइक, क्योंकि ट्रेन ऐसे की मूव हो रही है ऐसा ऐसा, तो मेरे बाउंस जैसा ट्रेन मूव हो रही है, तो मेरे को वो चीज फील हो रही है। और बाकी मजे हैं, थोड़ा बैठता हूँ, उसको भी क्लियर करते हैं। बाय बाय। गाइस मैं अभी लाइक अम्बाला स्टेशन पहुंचा हूं, एंड ठीक था, मतलब मेरे को कुछ मालूम ही नहीं चला, मैं थोड़ा सा सो भी गया था, और जैसे ही सोया उठा एकदम अम्बाला कैंट आ गया, तो ऐसा रहा। और अभी लाइक 3 बजे की मेरी ट्रेन है, जो कि ऑब्वियसली लाइक प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आएगी, तो इससे मैं ऊपर जा रहा हूं। और एक तो ये इसको उठाने में हालत ख़राब हो रही है भयंकर, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा हो जाएगा इसमें, तो ठूस ठूस के सारा सामान भर लिया, तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। और सीन ये है कि अभी थोड़ा सा अभी को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 3 बजे की है, और अभी बज रहे हैं रात के 1:22 हो रहे हैं अभी, और मेरे को 3 बजे तक वेट करना है। मैं यही सोच रहा हूँ कि अगर मैं वेट करते करते सो गया और ट्रेन मिस हो गई, तो मेरे को वापस इसी के जाना पड़ेगा, जो कि सही भी है, मेरा मन करता है कि घर जाने का, और क्योंकि सब लोग से सही से मिल नहीं पाया यार, टाइम ही नहीं हुआ। मेरे को ऐसा था कि 10 दिन मतलब 2 दिन के बराबर लग रहे हैं, तो वो मालूम ही नहीं चला कि 10 दिन मैं रुका भी ऋषिकेश में, ऐसा लग रहा है कि 2 दिन आया बस, एक दो से मिला अभी वापस जा रहा हूँ। और ऐसे ही होता है कि उधर से जब मुंबई से ऋषिकेश आ रहा था, तो मुंबई से ऋषिकेश आने का मन नहीं करता, अब ऋषिकेश से मुंबई जा रहा था, ऋषिकेश से जाने का मन नहीं कर रहा है। कोई नहीं, पर अभी लाइक वहाँ से थोड़ा ये सब भी होना चाहिए, और अकेले ट्रैवल करने में जो मज़ा है ना, वो कहीं नहीं है, ऐसा मैं अपना दिल मार के बोल रहा हूँ। पर बहुत बढ़िया है लाइक, जो एक्सपीरियंस मिलता है ना, जो खुद से तुम चीज़ें करते हो ना इस ट्रैवलिंग के बीच में, वो चीज़ लाइक बहुत अलग ही रहती है, बहुत नॉलेजफुल रहता है, तुम लोग को मालूम रहता है कि कैसे लोग हैं, किस तरह से किससे बात करनी है, और लाइक बहुत मतलब अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, कोई हेल्प करता है, कोई नहीं करता है, लाइक नई जगह पर हो तो तुम्हें कैसे अपने आप को शो करना है, वो चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और मेरा हाथ दर्द हो रहा है, तो मैं फटफट से थोड़ा आगे चलता हूँ, और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जाके कहीं तो थोड़ा बैठता हूँ, बैठने की जगह मिलने नहीं क्योंकि भीड़ बहुत हो रही है, और होपफुली जो मेरा सेकंड ट्रेन है वो फर्स्ट ट्रेन की तरह ना हो, सेकेंड ए सी तो थोड़ा अच्छा ही होना चाहिए। और देख लो ये बैग, ये किसी का है, तो ये मैं कैरी कर रहा हूँ बाद में शेट थोड़ा अजीब सा हो गया ना, और इधर ठंडी नहीं हो रहा, मतलब ऋषिकेश से मैं निकला था तो ठंड था, पर इधर बिल्कुल भी ठंड नहीं है। और बस इतना ही, फिलहाल मैं आगे चलता हूँ, एंड आप लोग को बताता रहूँगा जो भी जर्नी रहेगा मेरा, थोड़ा मज़ा आ रहा है अभी ये सब करने में, तो लेट्स गो, बाय। प्लेटफॉर्म नंबर 1 में आ गया हूँ, अभी मेरा पड़ाव ये है कि मुझे ये सीढ़ियाँ पार करनी है, तो मुझे सामने लिफ्ट भी दिख रही है, तो मैं लिफ्ट में जाऊँगा गाइस, क्योंकि द सामान इज वेरी हैवी एंड आई कांट टेक इट, एकदम खतरनाक ही मज़ा आ रहा है ये सब करने में। बस ये है कि फटफट मैं मुंबई पहुँच रहा हूँ, मुंबई भी नहीं मालूम मैं पहुँच रहा हूँ, मतलब मेरी 5 बजे की ट्रेन है, तो मैं वसई रोड उतरूँगा, काश मेरा वसई में घर होता तो मैं वसई में चला जाता, तो मेरे को वसई से लोकल ट्रेन से अंधेरी आना पड़ेगा, मालूम ये सब सामान लेके।
पर ऐसा है कि फर्स्ट वीक में शायद लूँगा, लाइक फर्स्ट वीक में लूँगा तो मुझे शायद मोस्टली खाली मिलेगा, तो खाली मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। अरे ग्राउंड फ्लोर किधर से आता है? इधर से लिफ्ट की तो रेड मार रखी है थूक थाक के। गाइस मैं लिटरली काफ़ी देर से इधर वेट कर रहा हूँ और 3 बजे का ट्रेन था पर अभी 3:10 हो गए ऑलरेडी, अभी ट्रेन नहीं आया अभी जल्दी, उसके बाद इस ट्रेन के नाम पे डब्बा खड़ा हो रहा है, दिस इज द डब्बा। इसके बाद जैसे ही हटता है शायद 5-10 मिनट बाद ट्रेन आ जाए, और जैसे ट्रेन आएगी मैं फटफट जाके कुछ नहीं करूँगा, खाना खाऊँगा और फिर सो जाऊँगा, क्योंकि जो मैं मेन कंट्रोल करी ना इधर अम्बाला में लाइक, क्योंकि इसी केस में तो मैं जल्दी सो जा रहा था क्योंकि उधर ऐसा सर्दियाँ चल रही है और मुंबई में था कि थोड़ा दोस्तों भी रहते थे काम में रहता था तो हम लोग जगते रहे तो चलता था वो, पर इधर का कोई सीन नहीं है, मेरे को इतनी गंदी नींद आ रही है ना, मेरी आँखें ऐसे ऐसे हो रही है पर मैं लाइक कंट्रोल कर रहा हूँ कि सर जो बात करते हैं उसको कम, और देखते रहो जर्नी कैसे रहती है और बाकी मिलते हैं, बाय बाय। अभी जस्ट एंटर किया मैंने ट्रेन में और जैसे मैंने एंटर किया 5 मिनट में ट्रेन चल पड़ी मेरे को, तब तक मैं अपना बर्थ ढूंढ रहा था मेरा बर्थ कौन सा है मेरा सीट कौन सा है, तो लाइक वो सीट वगैरह देख चुकी है और फटफट से जा रहा हूँ क्योंकि खतरनाक वाली नींद आ रही है। और बाकी है कि उस ट्रेन से तो काफ़ी हद अच्छी ट्रेन है ये, और मैं आपको थोड़ा सा सीट वगैरह दिखाता हूँ क्योंकि सब लोग इधर सो रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि इसको थोड़ा सा किसी को डिस्टर्ब करूँ, तो मैं जैसे आपको थोड़ा सा दिखाऊँगा कुछ बोलूँगा नहीं और फिर मैं मस्त हो जाऊंगा, ठीक है? तो लाइक मेरा फर्स्ट टाइम है मैं ट्रेन से ट्रैवल कर रहा हूँ इतने दूर, कभी किया है तो जस्ट उधर तो मुंबई में लोकल ट्रेन से किया है और हम लोग बीच में जब 15 गए थे तो वो सीन था। बाकी ये ट्रेन मेरे को थोड़ा अच्छा लगा, अभी अंदर एसी वसी है, थोड़ा कूल है माहौल और एकदम बढ़िया है, सो आई एम जस्ट हैप्पी। तो मैं आपको दिखाता हूँ फटफट से और फिर हमने पहुँचाऊँगा, मेरे को मालूम नहीं एग्जैक्टली कितने पहुँचाऊँ, बस ये कहीं तो पहुँचाऊँ और
सो गाइस फाइनली मैं लाइक अभी मुंबई पहुंच गया हूं और बस सही मैं उतरने वाला हूं लाइक 5-10 मिनट और फिर फटफट मैं उतर के और यहां से अंधेरी जाऊंगा, तो लेट्स सी अभी कैसे जाता हूं, क्या करते हैं। लोकल से ही जाऊंगा ऑब्वियसली, सो लेट्स सी। सो गाइस फाइनली मैं अभी पहुंच गया हूं अंधेरी स्टेशन पे हूं और फिलहाल मैंने रैपिडो किया है। रैपिडो से मैं जाऊंगा अपने पीजी में, तो जस्ट वेटिंग फॉर माय रैपिडो। यार मेरा ऑटो भी आ गया, तो मैं आपसे बात कर लेता हूं, आपका पीजी में जाके बात करता हूं। बाय। ओके गाइस, लाइक मैं अपने पीजी में आ चुका हूं और अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब अभी तो आया हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मैं ऋषिकेश गया था और घर से इधर आना लाइक मन नहीं था वापस आने का, पर आना था। जब मुंबई से घर जाना था तो इधर से जाने का मन नहीं था, उधर से आया तो उधर से आने का मन नहीं था, पर अभी 2-3 दिन रहूँगा तो मस्त जाएगा इधर। और बस दिस वॉज माई ट्रिप और अभी कासिम से मिलता हूँ, काफ़ी दिन बाद मिल रहे हम लोग। एंड फिलहाल लिफ्ट आ जाए नीचे, मैंने गलती करी लिफ्ट छोड़कर, दूसरी वाली लिफ्ट अटक गई, पता नहीं आई नहीं रही है। और मज़ा आया काफ़ी ट्रिप में पूरा एक दिन का हो गया, हालत ख़राब हो गया पूरा, गंदा वाला वो भी, और लाइक ठीक था, अच्छा था मेरी शक्ल बता रही होगी कैसा था, पर सही था, मतलब इट वॉज गुड। लिफ्ट क्यों नहीं आ रही है यार, पर अभी आएगी, एक लिफ्ट ख़राब हो गया क्या। हाँ मैं बोल रहा था काफ़ी लाइक अमेजिंग था मेरा ट्रेन का सफ़र, अगली बार से कभी नहीं आऊँगा ट्रेन से। एंड हालत ख़राब हो गया थोड़ा सा और थोड़ा बुरा लग रहा है यार, सब लोग को मिस करूँगा अभी, मतलब मन नहीं, सही में मन नहीं कर रहा था मेरा वापस आने का, पर अभी आना पड़ा ना, कोई नहीं। मेरा रूम फाइनली यार पहुंच गया, हेलो। लंबा हो गया क्या, मैं थोड़ा सा लग तो रहा है। सो गाइस फाइनली मैं अभी पहुंच गया हूँ अपने रूम पे, कासिम भाई भी सो रहे हैं तो मिल नहीं पाया, तो लाइक सुबह ही मिलूंगा फटफट से। मेरे को भी भयंकर नींद आ रही है, थकान लग रही है, मेरे बैठ थोड़ा सा गंदा भी हो रहा है, पर चलेगा। मन नहीं था यार बिल्कुल भी आने का, अभी भी ऐसा हो रहा है यार क्यों आ गया। मैं मिस यू ऋषिकेश, फैमिली, दोस्तों, सो इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, होपफुली आप सबको पसंद आएगा। एंड या बाय बाय, सी या। अनपैकिंग माय स्टफ्स भी लाइक, और बल्कि अभी तो पूरा अनपैक किया भी नहीं है, सिर्फ एक ही बैग अनपैक किया है और घुसेड़ दिया है सलमारी में। ओके सो गाइस बहुत हो गया है, मतलब इतना ही।